नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मैनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मैनी ग्रुप विश्व का पहला ऐसा चैनल, ग्लोबल फर्स्ट चैनल विच गिव्स यू 42 कमोडिटीज डिटेल एनालिसिस ऑन द चैनल, वेदर इट इज एग्रो, बुलियन, मेटल, फेरस, नॉन फेरस, प्रेसिस मेटल्स, कोल, शुगर, कॉटन, एवरी डैम थिंग इट इज बीइंग प्रोवाइडेड ऑन आर चैनल। दोस्तों, कपास हो, कपास खली हो, शुगर हो, बाजरा हो, वीट हो, इन सभी पर विशेष हमारी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती है। शुगर स्टॉक्स में शुगर कंपनियों के भाव, इसके ऊपर भी आपका जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। 25 शहरों का बेस सोने और चांदी के भाव आप तक पहुंच रहे हैं, साथ साथ बेस मेटल दिल्ली लोहा मार्केट के आपके क्या भाव रहे हैं और 21 शहरों का स्टील मार्केट का क्या भाव रहते हैं, ये हम आप तक पहुंचाते हैं। सोयाबीन सरसों के प्लांट के भाव आप तक पहुंचाते हैं। दालों के कांदला पोर्ट, कोलकाता, मुंबई, इन सभी के क्या भाव हैं, ये आप तक पहुंचते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं हर शो की तरह, हर रोज की तरह, सबसे पहले राशिफल। राशिफल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बाजारों की उतार चढ़ावों में आपका नफा और नुकसान आपकी राशि आपकी ग्रह निर्धारित कर देते हैं। एक ही टर्मिनल पर काम करने वाले लगभग 100 से 200 ट्रेडर्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि सबकी किस्मतें अलग अलग होती हैं, सबका सोच अलग होती है, सबका नफा और नुकसान अलग अलग होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप ये देखें कि क्या आप कमा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये रहेगा। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही रहती है कि आप कौन सी राशियां आज मुनाफा कमा सकती हैं, कौन सी राशियों को आज तकलीफ हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1974-75 में जन्मने वाले जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, उनकी जिंदगी के अंदर अहम रोल अभी आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आ रहा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मजबूत ग्रह हैं तो आपके लिए ये सुनहरा अवसर होगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। यदि आप कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, तो क्या नया आपकी जिंदगी में ऐसा हो जाएगा जो आने वाली आपकी पीढ़ियां याद रख सकती हैं। और यदि जन्म पत्रिका में आपके ग्रह मुआफिक नहीं हैं, कमजोर हैं, तो ऐसी परेशानी आएगी कि आपको संभालना मुश्किल हो सकता है। चाहे वो कर्जा हो, चाहे जमीन जायदाद के झगड़े हो, या पारिवारिक संकट हो, व्यापारिक साझेदारों के बीच में बड़ी अनबन हो, ये सब आपके ग्रह के जरिए, आपकी जन्म पत्रिका के जरिए आप जान सकते हैं। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर का नक्शा लेके, मैप लेके, उस शहर की सभी जगहों के अंदर सुगमता से पहुंच सकता है टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, उसी तरह से जन्म पत्रिका आपके जन्म के समय का एक मैप है आकाश में ग्रह नक्षत्रों का। तो दोस्तों, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप आगाह ले सकते हैं। बारिश को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन छाता अवश्य ले सकते हो, बच जरूर सकते हो। तूफान को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तूफान आने की संभावना होती है, तो उससे पहले आप अपने सुरक्षित घर जरूर जा सकते हो। यदि बहुत तेज कोहरा है तो आप अपनी यात्रा 2 घंटे लेट कर सकते हो ताकि आप सुरक्षित पहुंच जाएं। यही काम एस्ट्रोलॉजी और जन्म पत्रिका का होता है। तो दोस्तों, आज 1-5-9 क्या संभावना बन सकती हैं, आज मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं ये मेष, सिंह और धनु राशि। विशेषकर 12 से 1 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी, अन्यथा परेशानियां आ सकती हैं।
दोस्तों दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व का, यानी 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि, बहुत शानदार, बहुत मुफीद, बहुत जबरदस्त राशियां होती हैं ये। इन राशियों पे यदि हम मैं बात करूं तो घंटों क्या महीनों इन पे बात की जा सकती है, क्योंकि इस राशि के अंदर गुण कूट कूट के भरे होते हैं और ये इतिहास बनाने वाले लोगों की राशियां होती है वृषभ, कन्या और मकर राशि। और यदि ग्रह इसमें साथ दे दें तो इनको रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें तो बेहतर रहेगा। विशेषकर 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। दोस्तों कन्या राशि के व्यक्तियों से आप आसानी से जीत नहीं सकते, क्योंकि इनकी बुद्धि, इनकी इंटेलिजेंस, इनकी विजडम इतनी शार्प होती है कि ये किसी भी परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने में सक्षम हो जाते हैं। यही इस राशि की खासियत है। और वृषभ राशि का यदि चंद्रमा हो और यदि वो लगन में बैठा हो या सेकंड हाउस में बैठा हो, ऐसे व्यक्तियों का आप सानिध्य पाने में लालायित हो जाते हैं। आप उनसे बात करने के लिए तड़प उठते हैं, क्योंकि उनकी वाणी ही उनका हथियार होता है और वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। और ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के भी, खूबसूरती के भी मालिक होते हैं। तो दोस्तों उनका सानिध्य पाने के लिए ही लोग लालायित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से तो लड़ने का सवाल ही नहीं होता। और मकर राशि का जब तलवार चलती है, मकर राशि का जब रौद्र रूप आता है, तो कहा जाता है कि शेर जब पूरी ताकत से दहाड़ता है तो सब लोग दुबक जाते हैं, सारे बाकी पशु पक्षी सब दुबक जाते हैं। वही हाल मकर राशि की का मंगल क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों को रोक पाना नक्ल नामुमकिन होता है। तो आज मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी ताकत है, लेकिन आप रुक जाएं, समझ जाएं, देख लें। तो दोस्तों 1 से 2 बजे के बीच में रखिए अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 है वायु तत्व की राशियां, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं। 2 से 3 बजे के बीच में आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 जी हाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियां। जल तत्व की राशियों का धैर्य, पेशेंस, सही समय पर निर्णय लेने के लिए इंतजार करना, सही समय आने का इंतजार करना, ये इनकी खूबी होती है। और ऐसे व्यक्तियों का प्रतिभा का लोहा पूरा संसार मानता है, क्योंकि ये बहुत दूरदर्शी लोग होते हैं और अक्सर बहुत आगे की चीज पहले भापने में माहिर हो जाते हैं। तो 4, 8, 12 ऐसे व्यक्तियों से यदि देवगुरु बृहस्पति इन राशियों में होते हैं, कर्क में या मीन में, ऐसे व्यक्तियों का ज्ञान का लोहा पूरा संसार मानने लगता है। तो दोस्तों आज इनके लिए दिन मुफीद है, शानदार है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। तो दोस्तों ये था राशियों के आधार पर आपका नफा या नुकसान। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप कारोबारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, या फिर नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं, या फिर विद्यार्थी हैं, कैरियर सिलेक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजी बहुत मदद कर सकती है, लेकिन बशर्ते आपको उस एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, उस ज्योतिष से बात करनी है जो आपकी टेक्निक को समझे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पिछले लगभग 300-400 साल से बहुत पतन आया है, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। और बहुत सारे ऐसे लाखों की तादाद में एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं जो कर्म और कांड के की आड़ लेके ज्योतिष का धंधा चला रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि कर्म कांडी जो है वो अलग है, ज्योतिष विद्या अलग है, इन सब का कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों के पास होता है। और विशेष ध्यान रखिए कि रेडियोलॉजिस्ट अलग है, फिजिशियन अलग है, सर्जन अलग है, न्यूरोसर्जन अलग है, सबकी अलग अलग ब्रांच है, सबकी अलग अलग महारत है। यदि कोई व्यक्ति कहे न्यूरोसर्जन मैं हूँ, फिजिशियन मैं हूँ, रेडियोलॉजिस्ट मैं हूँ, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर तो नहीं होते। वास्तु मैं करता हूँ, पाम रीडिंग मैं करता हूँ, टैरो वो तो मुझे आता ही है, न्यूमरोलॉजी का तो मैं मास्टर हूँ। तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो बड़ी परेशानी हो जाती है कि लोगों को निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि डॉक्टर भी यह है, इंजीनियर भी यह है, वकील भी यह है और राजनेता भी है। तो ऐसे लोग, ऐसा नामुमकिन नहीं है, लेकिन वो किसी एक फील्ड के अंदर महारत नहीं रखने के वजह से संभव है वो सब मिक्सअप हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, स्पेशलिस्ट से बात कीजिए,
विशेषज्ञ से बात कीजिए। आज एमबीबीएस डॉक्टर को सिर्फ एक रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में जाना जाता है। यदि आपको रोग का इलाज कराते हैं तो स्पेशलिस्ट होता है, यदि आपको फिजिशियन से संबंधित प्रॉब्लम है तो फिजिशियन के पास जाता है, सर्जरी से संबंधित प्रॉब्लम है तो सर्जरी के पास जाता है, और वो दोनों इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो खुद नहीं करते, वो रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, लैब में आप टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। तो इन सबको समझो। एडवोकेट भी यदि दीवानी मुकदमे का अलग होते हैं, क्रिमिनल वाले अलग होते हैं, उनके अलग अलग विभाग होते हैं जिसमें वो विशेषता हासिल कर लेते हैं। तो याद रखिए, आप एस्ट्रोलॉजर जिनसे भी आप बात करते हैं यदि वो सारी चीजें कर रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज का राशिफल। आज हम चर्चा करेंगे एग्रो वॉच। एग्रो वॉच में आप सभी का स्वागत है। गिरशा बंसल जी, अनीश जी, अटल राज मोदी जी, ममता बाबेल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और धर्मेंद्र गुजर है, राहुल तिवाड़ी जी हैं, प्रवीण कुमार जी हैं, पीके सरकार अय्यर साहब भी हैं, आप सभी का ग्रेट मॉर्निंग। इन्होंने बड़ा अच्छा लिख के भेजा है, ग्रेट मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट मिस्टर सरकार अय्यर, वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। प्रवीण जी ने भी बात की है, दिनेश जी ने भी बात कही है, राहुल और ये अवस्थी साहब भी हैं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बंसी लाल जी धाकड़ साहब भी हैं और हिम्मत जी भी हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। किशोर पाटीदार जी ने भी ज्वाइन किया है, लोकेश जी भी हैं और ये मोती कुमार जी भी हैं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ने में प्रेरित करता है। महेंद्र कुमार जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र तिवाड़ी जी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज एग्रो वॉच के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या संभावनाएं बन रही हैं। जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलने बाजार में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कोल एनालिसिस, कोयले के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। करेक्शन, हम कोयले का नॉन एग्रो कमोडिटीज में करेंगे, आज हम चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण कमोडिटीज में एग्रो की सारी एक्स्ट्रॉर्डनरी कमोडिटी होती हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक, यानी कपास कली जिसे कुकुड़ ऑयल भी कोकोट भी कहते हैं, इस कुकुट इसके ऊपर नजर रखना से हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, कॉटन सीड ऑयल केक एक बहुत चर्चित एग्रो कमोडिटीज है जिसका चाहे किसान हो, चाहे पशुपालक हो या फिर व्यापारी हो, बहुत इसके ऊपर जिज्ञासा रहती है। तो दोस्तों, आपको कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर पिछले 2-3 दिन में बहुत तेजी से वॉलिटिलिटी बन रही है और सैकड़ों फोन्स भी आ रहे हैं, सैकड़े व्हाट्सएप भी आ रहे हैं कि इनके ऊपर चर्चा करें। देखिए, कपास कॉटन सीड ऑयल केक का जो NCDX के अंदर वर्तमान भाव चल रहा है कि दोस्तों, अजय स्टोमनी ग्रुप लाइव मार्केट में अपनी रिकमेंडेशन देने का प्रयास करता है। अभी ये 2930 का भाव जो है, कल 2941 का इसका हाई लगा था, ओपन हुआ 2943 पे और लो इसका 2912 का है और 2945 का इसका हाई है। तो 2930 रुपये अभी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसकी कपास खली की है। तो अजीत बोरा जी, स्वागत है आपका भी। तो कॉटन सीड ऑयल केक के जो भी कारोबारी हैं उनको NCDX के ऊपर, इन लेबल्स के ऊपर खरीदना या बेचने का हमारा कोई आपका सलाह नहीं है, हमारा सिर्फ आपको एनालिसिस देने का काम है। तो देखिए, मेरे हिसाब से इन लेवल्स पे शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यदि कोई खरीदारी करना चाहता है तो 2% का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। इसके अंदर संभावना यह है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर संभवतः इसमें बाउंस बैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। ये था कॉटन सीड ऑयल केक। अब कोरिएंडर के ऊपर हम बात करेंगे, धनिए के ऊपर, जिसमें हमने लगातार आपको अपडेट दिए, शानदार मूवमेंट दिया कोरिएंडर ने धनिए के अंदर। कोरिएंडर धनिए के अंदर देखिए, कल NCDX में 12,612 पे ये बंद हुआ था और आज इसने हाई 12,620 का लगाया है, 12,620 का NCDX पे हाई है। तो इसके अंदर शानदार तेजी है, उसमें कोई दोराय नहीं है।
और आने वाले समय के अंदर एक बड़ी तेजी या मंदी बनेगी, उस पर भी हम लोग अपने कुछ एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण यही रहेगा कि इनके ऊपर धनिए के अंदर आप बिकवाली करने से बचना चाहिए इंटरडे में। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं या इंटरडे ट्रेडिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, लंबे समय की तेजी या मंदी, लंबे समय के लिए आप इन निवेशक निवेश करना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं, चाहे सरसों है, चना है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, या फिर ऑयल सीड के अंदर सोयाबीन है, सरसों है, या फिर मसाला पैक में जीरा, धनिया, लाल मिर्च और काली मिर्च है, इनके ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, चना जो देश का दलहन बाजार का राजा माना जाता है, सबसे ज़्यादा फसल इसके अंदर मानी जाती है, चने की कंजम्पशन भी काफ़ी होती है और ये लगभग 110 लाख टन से ज़्यादा कंजम्पशन की उम्मीद रहती है इस साल। और जबकि उत्पादन के अलग अलग आंकड़े हैं, तो चने के ऊपर हमारी एक विशेष रिपोर्ट बिल्कुल छोटे और मझोले किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, कि आने वाले 2 से 3 महीने में चने में क्या संभावनाएं बनती हैं। तो चने के ऊपर विशेष रिपोर्ट के लिए आप हमारा नंबर जो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं उसको आप सेव कर लीजिए, यानी और उसके बाद फिर आप चना रिपोर्ट लिख के आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पर, हम आपको लिंक भेजेंगे, उससे आप पेमेंट कर हमारी रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही आपको अग्रिम विश्लेषण देने में विश्वास रखती है, अग्रिम अनुमान देने में विश्वास रखती है, चाहे वो मानसून हो, चाहे कपास हो या कपास खली हो, जीरा धनिया हो या फिर प्याज हो या लाल मिर्च हो, इन सभी पर अग्रिम विश्लेषण देती है। साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटी में सोना, चांदी, कोयला, स्टील, पॉलीमर्स, इनके ऊपर भी लगातार अपडेट देती है। तो जो भी महानुभाव इसको चाहते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार और सम्मान मिला है, मुझे जबरदस्त रिस्पांस मिला है चने के लिए, तो मैं निश्चित रूप से ये हमारे चैनल की बढ़ोतरी के लिए और आपके आशीर्वाद से ये बहुत शानदार चल रहा है। तो चने की रिपोर्ट जो भी चाहते हैं वो वीडियो के जरिए आप तक पहुँचे जाएगी, प्राइवेट वीडियो के जरिए आप ही देख पाएंगे। तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर पहले सेव करिए 9887056704 और दूसरा नंबर है 9414056704, 9494-140-56705 और दूसरा 9887056704। नंबर सेव कीजिए, चना रिपोर्ट लिख के हिंदी या अंग्रेजी के अंदर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, हमारी टीम आपसे तुरंत आपको मैसेज भेजेगी और आप पेमेंट करने के बाद रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कपास खली पे हमने चर्चा की है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे आज गेहूं के ऊपर भी कुछ चर्चा हो रही है कि श्यामलाल रेगर जी हैं, मेरा भारत देश, प्याज और लहसुन के बारे में भी कुछ लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों प्याज के ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूं आज। प्याज के ऊपर दोस्तों, ऑनियंस के ऊपर आपको याद होगा हमने आपको पिछले साल जब प्याज को कोई पूछ नहीं रहा था, और प्याज के ऊपर आपको याद होगा जब फसल के समय प्याज बहुत सस्ता था, उस वक्त हमने कहा था बाई कर लीजिए, और वो जो 400 से 600 रुपए प्रति क्विंटल का प्याज 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल बिका, लगभग 4 से 5 गुना 6 गुना। और आप देखिए उस वक्त, फिर उसके बाद में जबकि सरकार ने प्याज की पिछले साल की तेजी को देखते हुए लगभग 2 लाख टन से अधिक का बफर स्टॉक भी बनाया था ताकि इसकी बड़ी तेजी रोकी जा सके, लेकिन तेजी नहीं रुकी। अच्छी पैदावार के बाद भी तेजी नहीं रखी प्याज ने, पिछले साल प्याज ने जबरदस्त शॉर्टेज थी, उसको देख के किसानों ने बहुत जबरदस्त बुआई की, बहुत जबरदस्त पैदावार भी हुई, लेकिन प्याज की तेजी नहीं रुक पाई और वो अक्टूबर में आते आते जबरदस्त तेजी में कन्वर्ट हो गई। तो दोस्तों उसके बाद नवंबर दिसंबर में हमने आपको कहा था कि यह तेजी बन चुकी है, आप इसके अंदर मुनाफा वसूल कर लें। जो भी हमारे क्लाइंट्स थे महानुभाव, जिन्होंने हमसे चर्चा की, बात की, उस हमारे एपिसोड्स भी देखें, कि हमने ये भी कहा था कि क्या प्याज में अब आएगी बड़ी मंदी, और उसके बाद आज देखो लोग प्याज के अंदर कितनी जबरदस्त मंदी का माहौल है। उम्मीद है कि सभी किसान भाई और एवं व्यापारी बंधु जो सब्जियों का ट्रेड करते हैं, उन्होंने हमारी इस बेहतरीन प्याज की भविष्यवाणी को आनंद उठाया होगा। प्याज में अभी कोई बड़ी तेजी की संभावनाएं मुझे नहीं लग रही है, अभी कोई बड़ी तेजी की संभावना नहीं लग रही है प्याज के अंदर।
प्याज के अंदर हमने अपने क्लाइंट्स को पहले भी कहा था, पुनः भी हमने लाइव शो के अंदर इसको पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि मैंने मेरा प्याज में आपका लेने से मेन मकसद ये था कि ताकि क्योंकि प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण कमोडिटी है, इसके ऊपर हर घर का में इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों समय बिल्कुल बीतता जा रहा है और बिल्कुल हमारे पास मैसेज आ रहे हैं। अब मैं तुषार जी को अभी इनवाइट कर रहा हूं कि जिन्होंने जबरदस्त जो आपको शुगर स्टॉक्स दिए थे उसमें जबरदस्त लाभ भी मिला होगा। तो तुषार आपका स्वागत है, मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने जबरदस्त जो आपने दिया था वो अनुमान वो सत्य साबित हुआ। अब बाजारों में क्या लग रहा है? नमस्कार, मैं तुषार जैन CFO और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रोमनी गुरु से आपका स्वागत करता हूँ। आज 22 अप्रैल सन 2022 आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के अंदर आगे क्या होने की संभावनाएं हैं और आपको किन बातों के ऊपर नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कल के एपिसोड में और बल्कि पिछले कई दिनों से हम आपको शुगर स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने की सलाह दे रहे हैं और आप और शुगर स्टॉक्स के अंदर लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज के मार्केट के अंदर भी जब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इंडाइसेस में एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और इसी के साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इस और आज के मार्केट में शुगर सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एक अच्छा हरा निशान देखने को मिल रहा है। हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स जिसमें है रेणुका शुगर, वो लगभग 13% की तेजी आज उसमें देखने को मिल रही है और ये तब है जब ओवरऑल मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, ना केवल इंडियन मार्केट्स में बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही हमारा दूसरा स्टॉक बजाज हिंदुस्तान भी लगभग 7% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और बलरामपुर चीनी भी लगभग 1.5% की तेजी के साथ में ट्रेड कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्या गिरते बाजारों में पैसा बनाया जा सकता है या चढ़ते बाजारों के अंदर भी नुकसान हो जाता है? शेयर बाजार ऐसा ही बाजार है। यदि आपको सेक्टर्स की पकड़ नहीं है, यदि आपको बाजार की पकड़ नहीं है, तो नफा के साथ साथ नुकसान बड़ा हो सकता है। दोस्तों आपको याद होगा कि तुषार जैन ने आपको बलरामपुर रेणुका शुगर हमारे पिछले शो उठा के देखिए आपको लगातार अपडेट दिया। आज बाजारों के अंदर गिरावट है लेकिन ये दो शेयर बहुत शानदार चल रहे हैं, जबरदस्त मुनाफा दे रहे हैं, ऐसा क्यों? दोस्तों आने वाला सप्ताह याद रखिए, आने वाला सप्ताह जो है जो सोमवार से होगा, आज फ्राइडे है, आने वाला सप्ताह शेयर बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूव लेने वाला है, शेयर बाजार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल देने वाला है। क्या वो तेजी का होगा या फिर मंदी का? विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखना, मामूली शुल्क पर यदि आपको बाजारों की तेजी और मंदी सही मिल जाती है तो आपके मुनाफे की संभावना अधिक बन जाती है। तो दोस्तों यही मेरा कहना है कि बाजार में तेजी आने के बाद तेजी की बात करने वाले और मंदी आने के बाद 50 मंदी के कारण गिनाने वाले लोग निश्चित रूप से ऐसे विश्लेषण से कभी आपको फायदा नहीं होता। तो तुषार जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जबरदस्त विश्लेषण आपने किया है और ये नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं 9414056705 और 9887056704 और साथ में 9818310203। इन नंबर्स के ऊपर आप स्टॉक मार्केट की एडवांस विश्लेषण को आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे कुछ समय और रहेंगे, आप इसको ध्यान से नोट कर लें। जी तुषार, प्लीज गो अहेड। जी अब हम आगे चर्चा करेंगे भारतीय शेयर बाजारों के अंदर क्या होने की संभावना है। उससे पहले हम थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट्स की ओर नजर डाल लेते हैं। देर रात लगभग 11-12 बजे के बाद से पूरे ग्लोबल मार्केट्स के अंदर एक सेल ऑफ देखने को मिला और जिसका कारण नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि मई महीने में होने वाली फेड मीटिंग के अंदर 50 basis points यानी कि 0.50% इंटरेस्ट रेट हाइक होने की संभावना है। लेकिन यदि हम फेड मीटिंग्स के यानी कि जो अमेरिकी सेंट्रल बैंक के जितने भी मीटिंग्स के आउटकम्स को अगर हम पिछले 2 महीने के आउटकम्स को देखें तो जाहिर ऑलरेडी हो चुका है कि 50 basis points का कट फेड यानी कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक मई महीने में करेंगी। इसलिए
बाजार गिरने के बाद में कोई ना कोई कारण ढूंढना तो वो लाजमी है, लेकिन कोई बड़ा कॉन्क्रीट रीजन ग्लोबल सेलऑफ का अभी तक देखने को नहीं मिला है। और आगे निफ्टी बैंक निफ्टी मेजर इंडाइसेस और किन सेक्टर्स के अंदर तेजी बनने की संभावना है, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी पेड सर्विसेज के लिए, और हमने हमारे पेड क्लाइंट्स को ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। अब हम चर्चा करेंगे बेस मेटल्स, कोल और नॉन एग्रो कमोडिटीज के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं वो है कॉपर के बारे में। कॉपर के में अभी बहुत तेजी से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, और देखिए बहुत तेजी से उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। यदि मैं लाइव रेट्स भी आपको दिखा देता हूं अभी कॉपर का, कॉपर के जो लाइव रेट्स हैं, यदि आप अप्रैल महीने का जो फ्यूचर है वो 817 रुपये 35 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, और नेक्स्ट फ्यूचर जो इसका मई फ्यूचर है वो 822 रुपये 15 पैसे। तो आप तो आ, हम 817 के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। 817 रुपये 35 पैसे का जो ये एक वो है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। बिल्कुल नोट करना ध्यान से जो हम कहना चाह रहे हैं, ये 817 का जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, और इन लेवल्स के ऊपर आप नज़र रखें। और यदि हम टेक्निकल्स भी देखें तो इसके अंदर 810 रुपये का यदि स्टॉप लॉस लगाया जाए, और इसको इसकी संभावनाएं अच्छी तेजी की बनने की बन रही है। लेकिन आगे 2 दिन छुट्टियों के भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखनी भी आवश्यक हो जाती है। तो इन लेवल्स के ऊपर कॉपर को यदि आप बाय करें या ना करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं इसको शॉर्ट करने से बचना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अभी कॉपर के अंदर विशेष ख्याल रखें। अब हम चर्चा करेंगे कोल एनालिसिस, यानी कोयले पर क्या संभावनाएं बनती हैं, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि कोयले के अंदर एक अच्छी मूवमेंट बन रही है, जिसको हमने आपको लगातार अपडेट दिया है, लगातार आपसे बात की है कि क्या क्या संभावना बनती है। और कोयला जो है बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि समर सीजन के अंदर बिजली की खपत काफी बढ़ जाती है, और इस समय देश के अंदर बिजली की रिक्वायरमेंट, बिजली की खपत और बिजली की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। ना केवल इंडस्ट्रियल डिमांड काफी तेज है, अपितु जो लोकल कंज्यूमर्स डिमांड है वो भी बिजली की काफी हद तक पूरी नहीं हो रही है। कुछ राज्यों में बिजली की कमी को देखते हुए कट भी लग रहा है और आने वाले समय के अंदर बिजली की कटौती संभवतः और बढ़े। और दोस्तों आपको याद होगा कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो कोल है वो ज्यादातर जो कोल है वो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा माइनिंग किया जाता है। जीएमडीसी भी उसमें कुछ और कुछ कंपनी हैं, लेकिन इसकी जो उत्पादन है वो रिक्वायरमेंट के अनुकूल नहीं है। और इंजीनियर एसोसिएशन ने भी कोयले की कमी बिजली संयंत्रों के लिए एक अंदेशा जाहिर किया है, लेकिन जो विश्वस्त सूत्र हैं कोयले के, उनका कहना यह है कि 30 दिन का पर्याप्त कोयला कोयला उपलब्ध है। लेकिन ये जो विरोधाभास है कि इंजीनियर्स कह रहे हैं कि कोल नहीं है जबकि सूत्र कह रहे हैं उपलब्ध है, तो इसके ऊपर एक असमंजस है। इसमें हमारा कहना यही है कि हमने 2 महीने पहले भी आपको कहा था कि अप्रैल के महीने में और मई के महीने में कोल में शॉर्टेज आ सकती है, बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, बिजली की शॉर्टेज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ सकते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कोयला और के अंदर आने वाले एक समय के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात कॉपर और कोयले के ऊपर आज हमने चर्चा की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी पेड सर्विस से चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों शो का समय समाप्त हो रहा है, अगला शो जो हमारा होगा उसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कॉपर के ऊपर, विस्तृत चर्चा करेंगे बुलियन में, और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हमारा एक और शो अपडेट हो रहा है, उसमें बुलियन के बारे में हमने आपको डिटेल में हमने बात करने की कोशिश की है, उसको बिल्कुल देखना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात, ये
शो आपके लिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाया जा रहा है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपना स्वयं का अध्ययन एवं विवेक का भी इस्तेमाल करें, हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर्स अवश्य पढ़ लें। आप हमारे साथ शो में हैं तो इसके हमें हमारा ये मानना है कि आप हमारे इस स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से सहमत हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।